बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय में नए कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ेंगे। आज की कहानी है दो बैलों की कथा। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ये आपकी बुक है जो अभी बदल चुकी है, क्षितिज बुक, कक्षा 9वीं का हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का आज जीवन परिचय पढ़ेंगे हम। पहले जन्म इनका 1880 में हुआ और जन्म स्थान है लम्ही, ग्राम वाराणसी। इनकी कुछ उपन्यास हैं जो हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ये बच्चों आपका विषय क्रम है, जिसमें गद्य खंड काव्य खंड दोनों भाग में बांटा हुआ है। पाठ का सार है, लेखक के अनुसार बताया गया है कि गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भागते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी के स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजदूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी, उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे दो रोटियाँ डाल जाती थी। इस तरह दोनों को दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए, झूरी का साला और दूसरे लोगों ने पकड़ने दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए। फिर बहुत खुश हुए। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बना देखकर वह भी ना भाग सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों भेज दिया। एक डढ़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं, उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर चलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दढ़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दढ़ियल
बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर के बाद ही दोनों खुशी से गली भूसी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। अब बच्चों, हम कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे। निरापद यानी सुरक्षित, पछाई यानी पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई यानी जोड़ी, कुलेले यानी क्रीड़ा, विषाद यानी उदासी, पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा, पगहिया यानी पशु बांधने की रस्सी, गनाओं यानी फुल्लेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, टिटकार यानी मुंह से निकलने वाला टिक टिक सब, मसहलत हितकर, रगेड़ना यानी खदेड़ना, साबिका यानी वास्ता सरोकार, कांजी हाउस यानी मवेशी खाना, रेवड़ यानी पशुओं का झुंड, धान यानी पशुओं की बांधे जाने की जगह, उछाई यानी उत्सव या आनंद। अब हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। अब प्रश्न दो है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो उत्तर है, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। अब तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, पहला है, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। दूसरा है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी चाहे वो मनुष्य हो या पशु, स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद या नीति विषय मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न चार है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर है, आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधुओं संतों के गुण होते हैं, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है, अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है, कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ कहा जाता है, यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब है प्रश्न नंबर पाँच, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से हम यह स्पष्ट होती है कि पहला है, इसका दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेल कर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। तीसरा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। चौथा है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। पांचवा है, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा।